हेलो दोस्तों, आज हम विनी द पू ब्लड एंड हनी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि हाल ही में रिलीज हुई है और यह मूवी अभी नई है तो इसकी रेटिंग की बात हम नहीं करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एक बच्चा क्रिस्टोफर 100 एकड़ जंगल में उसे कुछ अजीब से दिखने वाले क्रिएचर मिले जो कि ना ही इंसान थे और ना ही जानवर, जिनमें पिगलेट, आउल, रेबिट, डंक और विनी द पू होता है। उन क्रिएचर से क्रिस की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और क्रिस उनके साथ ही रहने लगता है और खेलता कूदता है और उनके लिए खाना भी लाता है। और ऐसे करते करते दिन महीने में महीने सालों में बदल गए और एक दिन ऐसा आ गया जब क्रिस को अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए उन्हें छोड़कर जाना पड़ता है, जिसके बाद उसके दोस्त अकेले पड़ जाते हैं जो क्रिस्टोफर के लौटने के आस में पड़े होते हैं। लेकिन वक्त बीतता गया और क्रिस वापस नहीं आया और यहाँ पर अब खाने पीने की कमी होने लगी थी जिससे इनकी हालात काफी बिगड़ने लगी थी। आखिरी में यहाँ पर सर्दियाँ पड़ने लगती है तो वह सभी भूख से बचने के लिए अपने एक साथी को ही मार कर खा जाते हैं और इन्हें अपने साथी को खाने के बाद बहुत ही दुख पहुँचता है और इन सबका जिम्मेदार वह लोग क्रिस को ही मानते हैं, जिसके बाद वो लोग एक कसम खाते हैं कि वो लोग इंसानों से कोई भी नाता नहीं रखेंगे बल्कि उनका शिकार करेंगे और आज के बाद वो लोग कभी एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। वक्त बीतता गया और हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर हम क्रिस और उसकी वाइफ मैरी को देखते हैं। यहाँ पर क्रिस अपनी वाइफ को लेकर उन क्रिएचर से मिलवाने के लिए लाया होता है जो कि 100 एकड़ वुड जंगल में होता है। लेकिन यहाँ पर मैरी को क्रिस की कहानियाँ एक कल्पना लगती है, फिर भी वह उसके साथ यहाँ पर चली आई होती है। दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उन्हें उनके दोस्तों का ठिकाना मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अब सब कुछ बदल चुका होता है, जैसे एक बाल्टी में भरा हुआ इंसान का खून मिलता है जिसे देखकर मैरी उसे समझाती है कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, उसे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन क्रिस उसकी बात नहीं मानता है और पू के कमरे में चला जाता है जहाँ पर पू ने क्रिस की फोटो को अच्छी खासे से जला रखा था, जिसे देखने के बाद दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से छिप कर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन कोई मैरी को पीछे से पकड़ लेता है और वो पिगलेट ही होता है जो अब एक मॉन्स्टर में बदल गया है। क्रिस उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन पिगलेट मैरी का गला घोटकर वहीं पर मार देता है। तभी वहां पर पू भी आ जाता है, जिसके बाद पिगलेट और पू मिलकर उसे घसीटकर यहां से ले जाते हैं और क्रिस कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके बाद यह कहानी मारिया पर शिफ्ट होती है, जिसके साथ हाल ही में एक हादसा हुआ होता है जिससे वह उभरने के लिए एक साइकाट्रिस्ट की थेरेपी लेती है और वो डॉक्टर उसे नेचर के साथ घुलने मिलने के लिए कुछ वेकेशन बिताने के लिए कहती है ताकि मारिया अपने अतीत को भुला पाए। इसके बाद मारिया अपने 4 फ्रेंडों के साथ मिलकर वेकेशन मनाने के लिए 100 एकड़ जंगल के पास ही बने एक केबिन में जाती है जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती होती है। और यहाँ पर हमें मारिया के फ्रेंडों के नाम एक एक करके आगे जानेंगे। फिर सभी लोग केबिन के अंदर जाकर बहुत खुश होते हैं और अपना अपना कमरा बीचने लगते हैं और इनकी दोस्त एक टीना भी होती है जो यहाँ पर आ रही होती है और वो अपना रास्ता भी भूल गई होती है और वो 100 एकड़ जंगल के पास पहुँच जाती है जहाँ पर वो इन सबको फोन करती है लेकिन उसका फोन कोई भी रिसीव नहीं करता है। तभी टीना को वहाँ पर पू दिखता है और वो अपने सामने इतने बड़े क्रिएचर को देखकर से भागने लगती है और वो जाकर एक बंद बड़ी गैराज में छिप जाती है। लेकिन उसका पीछा करते करते पू भी वहाँ पर पहुँच जाता है जो उसे पकड़ लेता है और उसे एक चॉपर में डालकर मार देता है। फिर पू अपने ट्री हाउस में जाता है जहाँ पर वो क्रिस्टोफर को बंदी बनाकर रखा होता है। क्रिस उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है और बताता है कि उसे कॉलेज जाना बहुत जरूरी था और उसे अपने किए पर पछतावा भी है। लेकिन पू को उसका बचपन का किया हुआ वादा याद आता है जो कहता है कि वह उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसे याद करके पू काफी ज्यादा वायलेंट हो जाता है और सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगता है। फिर वो क्रिस को मार मार कर काफी जख्मी कर देता है। तभी क्रिस यहाँ पर मैरी के कंकाल को देखता है जिसे देखकर वो बहुत तेज रोने लगता है। फिर पू उसे मैरी के ब्लड से नहला देता है। इसके बाद हम मारिया को देखते हैं जो अपने फ्रेंडों को अपने अतीत के बारे में बता रही होती है कि वह एक रात अपने कमरे में सो रही थी। तभी रात के 3 बजे उसके कमरे में कोई व्यक्ति आता है जो उसके कपड़े उतारने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर मारिया की नींद खुल जाती है जिसके बाद वो वहाँ पर तुरंत पुलिस को बुलाती है तो पुलिस उस व्यक्ति की जांच पड़ताल करती है तो उन्हें उस व्यक्ति का लैपटॉप मिलता है जिसके अंदर
सिर्फ मारिया के बारे में ही होता है। मतलब यह है कि वह व्यक्ति मारिया पर पहले से ही नजर रख रहा था और उस गम से अब मारिया धीरे धीरे बाहर निकल रही है। इसके बाद लारा वहाँ से नहाने के लिए बाथ टब में चली जाती है, जहाँ पर वो अपने कुछ पिक को खींचती है। फिर वो फोटो को देखती है तो उसके पीछे कोई खड़ा होता है जो उसे देख रहा होता है। तो लारा को ऐसा लगता है कि उसे कोई छिप कर देख रहा है। इससे पहले वो कुछ कर पाती वहाँ पर पू और पिगलेट आ जाते हैं जो उसे बेहोश करके बंदी बना लेते हैं। जब लारा की आँख खुलती है तो वो एक गाड़ी के सामने बंधी हुई होती है। गाड़ी पू चला रहा होता है और पिगलेट उसे दबा कर रखता है। फिर पू गाड़ी को उसके सर पे चढ़ाकर बड़ी बेरहमी से उसके सर को कुचलकर मार देता है। फिर लारा की चीख सभी फ्रेंडों को सुनाई देती है तो सभी फ्रेंड चेक करने के लिए बाहर आते हैं। तो बाहर उन्हें लारा की फटी हुई लाश दिखती है जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और तुरंत केबिन के अंदर जाकर छिप जाते हैं। और इनके पीछे पू भी अंदर शामिल हो गया होता है जो कि उन्हें ही ढूंढने लगता है। फिर मारिया और जेसिका अंदर जाकर सेफ्टी के लिए गन को ढूंढती हैं और दूसरी तरफ एलिस और जो बैकडोर को बंद करने के लिए जाती है। तभी उनके पास पिगलेट पहुंच जाता है जो एलिस को मारकर बेहोश कर देता है। फिर पिगलेट जॉय को स्विमिंग पूल के अंदर ही बड़ी बेरहमी से मार देता है। फिर पिगलेट और पू मिलकर एलिस को वहां से ले जाने लगते हैं और उन्हें जाते हुए मारिया और जेसिका भी देख लेती हैं। तो वह दोनों उसका पीछा करने लगती है। इसके बाद एलिस की जब आँख खुलती है तो वह एक बूट पर बंधी हुई होती है और उसके पास पू भी होता है जो अपने पुराने विक्टिम का खून पी रहा होता है। फिर पू एलिस को मार मार कर बेहोश कर देता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर मारिया और जेसिका आती है जो एलिस को फ्री करती है, जिसके बाद तीनों वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती हैं। तभी उन्हें एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। तो तीनों जाकर देखते हैं तो वहां पर क्रिस बंधा हुआ होता है जो उनसे मदद मांगता है, जिसके बाद तीनों मिलकर उसे भी फ्री कर देते हैं। फिर उन्हें एक और लड़की की चीख सुनाई देती है तो क्रिस उन्हें उस लड़की को बचाने के लिए कहता है। तो तीनों मिलकर वहां से बाहर आते हैं और देखते हैं कि पू ने एक लड़की सैलिन को काफी जख्मी करके बांध रखा है। तो तीनों मिलकर यहां पर उसे भी आजाद करते हैं और उसे लेकर बाहर आते हैं। तभी सैलिन अपने चेहरे को एक आईने में देखती है तो उसका चेहरा बहुत ही भयानक होता है, जिसे देखकर वो बहुत तेज रोने लगती है और उसके पति को भी पिगलेट ने मार दिया होता है। जिसके बाद सैलिन मारिया के हाथ से गन को छीन लेती है और अपना बदला लेने के लिए वापस जाती है। फिर वह एक गोली फायर करके पिगलेट को यहाँ पर बुलाती है, जिसके बाद उसकी गन नहीं चलती है क्योंकि उसकी गन लोड नहीं होती है और उन्हें यहाँ पर छिपकर सभी देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पू भी आ जाता है तो पिगलेट सैलिन को वहीं पर मार देता है, जिसे देखकर मारिया की चीख निकल जाती है। तो उन्हें पू देख लेता है और मारिया और जेसिका वहाँ से भाग निकलते हैं तो पू उनके पीछे लग जाता है, लेकिन एलिस यहीं पर फंस जाती है जिसके हाथ में उनका हैमर लग जाता है। तब एलिस पिगलेट को मारकर बेहोश करके वहीं पर बांध देती है। फिर एलिस पिगलेट को जान से वहीं पर मार देती है तो पिगलेट की आवाज पू भी सुन लेता है तो वह तुरंत ही वहां पर आता है और वह अपने साथी की लाश को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तो वह तुरंत ही एलिस के मुंह के अंदर एक नाइफ डालकर बड़ी बेरहमी से मार देता है, जिसके बाद पू मारिया और जेसिका के पीछे पड़ जाता है। आगे जाने पर मारिया और जेसिका को कुछ हंटर मिलते हैं तो वह दोनों उनसे मदद मांगने लगती है और जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और उन्हें भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। लेकिन वह सभी हंटर पू को देख लेते हैं और उसे मारने के लिए उसके पास जाते हैं, जहां पर सभी लोग मिलकर पू को बहुत मार मारते हैं लेकिन पू को कुछ भी नहीं होता है। तभी पू एक एक हाथ में सभी हंटर को मार देता है। उन लोगों के मरने के बाद मारिया और जेसिका गाड़ी चलाने लगते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पू भी उनकी गाड़ी पर चढ़ गया होता है जो जेसिका को खींचकर बाहर निकालता है, जिसके बाद पू बड़ी बेरहमी से ही जेसिका के सर को धड़ से अलग कर देता है। फिर वो मारिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कहीं से क्रिस एक कार को लेकर आता है जो सीधा पू पर चढ़ा देता है, जिसके वजह से पू दोनों गाड़ियों के बीच में फंस कर बेहोश हो जाता है। इसके बाद क्रिस मारिया को लेकर वहां से निकलने लगता है। तभी पू होश में आ जाता है जो उनके पीछे लग जाता है और जाकर मारिया को पकड़ लेता है। तो क्रिस यहाँ पर पू से माफी मांगने लगता है और वह कहता है कि उसके अंदर आज भी इंसानियत जिंदा है, जिसके लिए पू ये सब करना छोड़ दे। जिस पर पू बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा कहते ही पू मारिया के गला को काट देता है, जिसके बाद मारिया वहीं पर मारी जाती है। और यह सब देखकर क्रिस बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी सीक्वल के साथ खत्म हुई है और इस मूवी का सीक्वल जरूर आएगा, क्योंकि यहां पर क्रिस बच गया होता है
और यह भी हो सकता है कि पिगलेट भी बच गया हो। इस मूवी के अंदर हमें आउल और रेबिट को नहीं दिखाया गया है, तो हो सकता है कि आने वाले अगले चैप्टर में हमें उन्हें दिखाया जाए। आने वाली अगली मूवी में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्रेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही एक्सप्रेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।